अभी देखिए कि मैंने पहले भी बताया था, लोग देख बोलते हैं कि भाई भगवान को देखा नहीं उसमें प्रेम कैसे करेंगे। अभी माँ के पेट में बच्चा पल रहा है, आपने देखा है? माँ देख सकती है उसे, बाप देख सकता है, फिर भी कितना प्रेम होता है। यानी आपके पास एक अनुभव है, माँ और बाप, दादा दादी, भाई भाभी, सभी लोग क्या है, न देखे हुए भी बच्चे पर प्रेम कर सकते हैं। तो न देखे हुए एक आदमी पर, इंसान पर प्रेम कर सकते हो, तो न देखे भगवान पर प्रेम करने में क्या हर्ज है आपको, राइट? लेकिन यहाँ इनके सारे के सारे रूप गायत्री छंदहा, गायत्री का, गायत्री मंत्र में एक शब्द क्या आता है, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करो, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करो, ओके, प्रचोदयात, हमारी बुद्धि को प्रकाश दो, बुद्धि को प्रकाशित करो, किसके लिए, उस तेज का स्वीकार करने के लिए, उस भर्ग के भर्गवान को देखने के लिए, उस भर्ग गर्भवती यानी उस माँ को देखने के लिए। यानी गायत्री मंत्र हमें इष्ट देवत का दर्शन अवश्य दिलाता है, इसलिए हर एक इष्ट देवत का गायत्री मंत्र अपना अपना अलग होता है। लेकिन पंचमत हमद कवच, तुलसीदास जी ने जो ग्वाही हमें दी है हनुमान चालीसा में, और देवता चित्तन धरी हनुमत से ही सर्व सुख करही। सो यहाँ पंचमुख हनुमत जी क्या बोलता है, पंचमुख हनुमत कवच कहने के बाद गायत्री मंत्र के स्पंदन हमें मिलने के कारण, क्रिएटिविटी वाले प्रजापति ब्रह्मा हमारे ऋषि होने के कारण, मार्गदर्शन होने के कारण, हमारे इष्ट दैवत का हमें जरूर दर्शन होगा, ओके। एक बार इष्ट दैवत का दर्शन हुआ बॉस, तो जिंदगी में बाकी सारे की सारे सुखे अपने सुख जो है अपने आप चली आती हैं, ओके, सारे के सारे सुख चले आते हैं, श्योर। तो इतनी बड़ी गारंटी हमें ये पश्चिम हवत कवच के पहले लाइन में ही मिलती है।